स्टूडेंट्स, देखिए अब हम पहुंच गए हैं पेज नंबर 13 पर. ओके, तो ये हम कहां पर थे? वी वर टॉकिंग अबाउट टैलेंट एंड गिफ्टेडनेस का डिफरेंस. ऑलराइट, उसके बाद हम आगे चलेंगे. पेज 13 के टॉप पर हम हैं, जो पहला छोटा सा पैराग्राफ है. इट हैज बीन सजेस्टेड बाय साइकोलॉजिस्ट दैट गिफ्टेडनेस फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ. जब टीचर्स क्लास में बेटे गिफ्टेडनेस डिफाइन करें तो उनके हिसाब से क्या क्या होगा, ये तीन टर्म्स आप याद करो. ओके, कौन कौन सी? हाई अबिलिटी, अबिलिटी टू लर्न, अबिलिटी टू ग्रास्प, अबिलिटी टू रिकॉल. ओके, अबिलिटी. हाई क्रिएटिविटी, मतलब वो बच्चा कैसा होगा, बहुत क्रिएटिव, आंसर्स में भी होगा, कुछ आर्टवर्क में भी होगा, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में भी होगा, क्रिएटिव होगा. एंड हाई कमिटमेंट लेवल, तो आपने क्लास में ना अपने पढ़ाकू बच्चे देखे होंगे, जब बोल दिया ना सबमिशन डेट ये है, उनको नहीं रिमाइंडर देने की जरूरत पड़ती यार, वो अपने आप उस डेट को एडहर करते हैं और उल्टा आके ना क्लास में दूसरों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर देते हैं. आगे बोले मैम आज अपने होमवर्क चेक करना था, तो बाकी बच्चे बोलते तुझे जरूर याद कराना था. क्या मतलब? उनका कमिटमेंट लेवल बहुत हाई होता है ना. हम कभी कभी हाइड करने की कोशिश कर सकते हैं, यार काम नहीं किया छोड़ो. सब फ्रेंड्स ना फिर वो जो ऐसे वाले होते हैं एक दूसरे को कहते तो याद ना कराएं मैम को प्लीज, उनको याद नहीं रहना. लेकिन वो जो पढ़ाकू वाले होते हैं ना बीच में दो चार, वो याद जरूर कराते हैं. इट मीन्स देयर कमिटमेंट लेवल विल बी वेरी हाई. ओके, सो गिफ्टेड चिल्ड्रन शो अर्ली साइंस ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी. अंडरलाइन कर लो अर्ली साइंस, मतलब आपको ऐसा नहीं होता कि वो 22, 23, 24 साल या 18 साल के बाद पता चलता है यार बच्चों कितना इंटेलिजेंट है. नो, दे शो. हम कहते हैं ना वो क्या था वो वर्ड है, पालने में नजर आते हैं, एक लाइन है मुझे याद ही नहीं आ रहा कि क्या था, किसके साइन पालने में नजर आते. मतलब जब बच्चा पैदा होता है तभी हमें पैदा होने का मतलब ऐसे नहीं कि देखते ही पता चल जाता है इंटेलिजेंट है. वो इस तरह से प्रोवर्ब बना है कि मतलब बच्चों को हम बचपन से ही जज कर पाते हैं उनके एक्शन से, उनके काम करने से, उनकी बात को समझने से कि वो कैसा परफॉर्म करने वाले हैं लाइफ में. सो वी कैन जज देम. ओके, इवन ड्यूरिंग इन्फेंसी, बहुत छोटा बच्चा अगर एक्सट्रीमली कुछ डिफरेंट सा काम कर दे, सो वी कैन जज यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट है. इन्फेंसी आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को ना वो जो ब्लॉक्स दिए जाते हैं उसमें अरेंज करना है, ऐसे डालो, पहले बड़े वाला ऐसे लंबा सा होता है, पहले बड़े वाला सर्कल, फिर उसके ऊपर छोटा और फिर बड़ा और छोटा, मतलब छोटा 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 ऐसे डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में होता है. तो कुछ बच्चे उसे इतनी क्विकली कैच करते हैं और जो कुछ होंगे वो नहीं परफॉर्म कर पाते, वो ऐसे रैंडमली डाल देंगे. तो दिस इज हाउ इट शोज कि वो कैच करने में उन्होंने पहले ऑब्जर्व किया, ये ऐसे आया था टॉय और उसे उसी तरह से बना दिया गया. सो वी कैन सी इवन इन इन्फेंसी स्टेज, बिलो 1 ईयर ऑफ एज में भी आप जज कर पाएंगे. सो इट इज इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड स्टेज. दे शो लार्जर अटेंशन स्पैन, मतलब आप उन्हें कोई बात सुनाए तो वो ध्यान से सुनते हैं, नहीं तो बच्चा जो है वो सुनने के लिए नहीं मतलब होता, उसका अटेंशन स्पैन बड़ा कम होता है, वो डाइवर्ट बड़ी जल्दी होता है ना, अटेंशन उसका कम होता है, इधर से आवाज है इधर ध्यान चला गया दूसरी तरफ चला गया. लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो उसका अटेंशन स्पैन ज्यादा होगा. अगर आप उससे किसी नॉलेजेबल या किसी तरीके की स्टोरी भी सुनाएंगे, कोई काम कोई समझाएंगे तो वो सुनेंगे बड़ों की तरह. अटेंशन स्पैन, गुड रिकॉग्निशन मेमोरी, जैसे मैंने कहा उसके सामने अगर उसने देख लिया कि ये इस तरह से अरेंज किए गए हैं, पहले बड़ा ब्लॉक है फिर छोटा फिर छोटा, उनकी मेमोरी भी शार्प होती है और वो उसी तरह से फटाफट से परफॉर्म कर देंगे. एंड देन कहा थे हम प्रेफरेंस फॉर नोवेलिटी, मतलब वो काइंडनेस में भी होंगे, सेंसिटिविटी एंड सेंसिटिव होंगे, नोवेल होंगे एंड एनवायरमेंटल चेंजेस को लेकर. एंड अर्ली अपीयरेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, मतलब बहुत जल्दी बोलने लगते हैं और स्पीच बड़ी अच्छी और क्लियर, वर्ड्स बड़ी जल्दी कैच करते हैं. टू इक्वेट गिफ्टेडनेस विद ब्रिलियंट अकेडमिक परफॉर्मेंस इज नॉट करेक्ट. इसको स्टार बना लो कि इसमें क्वेश्चन आ सकता है, क्या जो बच्चे एकेडमिकली बहुत अच्छा स्कोर करते हैं क्या हम उन्हें गिफ्टेड कह सकते हैं? हम उन्हें ये तो कह सकते हैं कि उनकी मेमोरी और उनकी रिटेंशन और उनकी क्रैमिंग अच्छी है ना, ये तो कह सकते हैं. लेकिन क्या वो हमेशा ही गिफ्टेड होते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि गिफ्टेडनेस इज नॉट रिलेटेड टू ओनली एकेडमिकली स्कोरिंग गुड, नॉट नेसेसरली. ओके, so not correct. Athletes who show superior psychomotor ability are gifted, क्योंकि उनकी
आप मिल्खा सिंह को देखें, मतलब कहते इस तरह से भागता था कि दिखाई नहीं देता था, ऐसे लग रहा है उड़ रहा है। तो भाई ये तो कुछ गिफ्टेडनेस ही है, स्किल है उसके पास इतना। सो उसके क्या स्कूल में स्कोर्स देखें कि बड़े अच्छे आते थे कि नहीं, और वो भाग सकता है कि नहीं, नहीं। सो दैट्स नॉट द क्राइटेरिया टू चेक द गिफ्टेडनेस। देन ईच गिफ्टेड स्टूडेंट पोजेस डिफरेंट स्ट्रेंथ, सबकी अलग अलग हो सकती है पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अब आगे सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन आर। इसके बेटा इस पेज के ऊपर एक क्वेश्चन नोट कर दो, ये क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट इज गिफ्टेडनेस, डिस्कस द फीचर्स ऑफ गिफ्टेड पर्संस। आई रिपीट, डिस्कस गिफ्टेडनेस, ये व्हाट इज गिफ्टेडनेस, डिस्कस द फीचर्स ऑफ गिफ्टेड पर्संस और चिल्ड्रन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले ऊपर से गिफ्टेडनेस का जो पिछले पेज पे मीनिंग है वो दे देंगे, उसके बाद ये जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप इसे उसमें डिफाइन कर देंगे। डन, लिखिए, आई मीन लेट्स रीड, अब बाद में इसे लिखेंगे। नंबर वन, एडवांस्ड लॉजिकल थिंकिंग, अंडरलाइन कर लो, लॉजिकल थिंकिंग, सर्कल इट। क्वेश्चनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। लॉजिकल थिंकिंग क्या होता है बेटा, लॉजिकल बेंड, यानी चीजों को ऐसे ही नहीं, जैसे बहुत सारे बच्चों को हम बोल देते हैं ना कोई भी टॉपिक बेटा आप याद कर लो, कहते ठीक है, जो बच्चा गिफ्टेड होगा वो ऐसे नहीं याद करेगा, वो क्या कहेगा, मैम नहीं ऐसे क्यों हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग, विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द टॉपिक। तो जब कोई बच्चा बहुत डिटेल में जानना चाहे और लॉजिक पूछे तो समझ लीजिए कि वो इंटेलिजेंट है और हायर लेवल में है। और क्या करेगा, क्वेश्चनिंग करेगा। जो बच्चा, हम स्कूल में ना टीचर्स बड़े इरिटेट होते हैं उन बच्चों से जो बार बार सवाल पूछते हैं, बहुत बेवकूफ टीचर्स होते हैं वो, क्योंकि जो बच्चे सवाल पूछते हैं इट शोज, जैसे हम कहते हैं ना शरारती बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, क्यों कैसे पता चला, क्योंकि शरारत भी इंटेलिजेंट ब्रेन में ही आएगी, ऐसे तो डल बच्चों को तो शरारत भी नहीं आती करनी, तो शरारती भी वही होगा जो इंटेलिजेंट होगा। ओके, हाई स्पीड इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग का मतलब ब्रेन में प्रोसेसिंग होना, यानी कोई टॉपिक समझाया गया क्लास में, कुछ बच्चे होंगे जिनको समझ ही नहीं आया और जो इंटेलिजेंट होगा वो कहेगा ये रात हो गया आगे चलो मैडम, तो उसको क्या लगता है उसकी प्रोसेसिंग क्या है, वो टॉपिक को अंडरस्टैंड करके अपने ब्रेन में डाल भी दिया उसने तो वो प्रोसेसिंग उसकी बहुत हाई होगी। देन सुपीरियर जनरलाइजेशन, मैंने भी क्या बोला, उसने सुना पहले प्रोसेस हुआ और फिर उसने जनरलाइज भी करके क्या किया अपने सबकॉन्शियस में भी डाल दिया, जनरलाइज करके, हाँ ठीक है उसको कोरिलेट किया, ठीक है उस आंसर को तोड़ा मोड़ा और अपने हिसाब से अंडरस्टैंड करके उसको क्या किया अपनी मेमोरी में भी डाल दिया, दे आर वेरी गुड इन दैट। एंड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी, यानी मैंने जैसे कोई टॉपिक समझाया बोला ये कीवर्ड्स बेटे रख लो ये याद कर लो, तो उन्होंने क्या क्या जनरलाइज किया, हाँ कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, उनको पकड़ा, उन्हें क्या किया पास किया और क्या किया उन कीवर्ड्स को होल्ड कर लिया, तो ये वर्ड क्या है डिस्क्रिमिनेट कर लिया उनको वर्ड्स को और फिर उनको रिटेन कर लिया। ओके, देन मूविंग फर्दर, एडवांस्ड लेवल ऑफ ओरिजिनल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, उनको ओरिजिनल आइडियाज भी याद रहेंगे और उसमें से कुछ मॉडिफाई करके भी करना ठीक लगेगा और बड़ी ईजिली कर लेंगे, ऐसे कुछ एक तो होता है ना हमने कोई काम एफिशिएंस मतलब क्या बोलते हैं हम उसमें, हमने कोई काम एक्स्ट्रा स्ट्रेस डाल के किया, एक होता है ऐसे ही स्मूथली कर लिया, तो दे डू इट जस्ट लाइक दिस। ओके, ऑलराइट, आगे चलते हैं। देन हाई लेवल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, उन्हें नहीं उनके घर वाले कहते पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, उन्हें पता है कि पढ़ना है और उसकी वैल्यू क्या है, पता नहीं कैसे आता है ये समझिए तो उनको ही पता है, बट दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, मतलब विद इन, दे मोटिवेटेड फ्रॉम विद इन, सो दे विल नॉट लुक फॉर एक्सटर्नल मोटिवेशन, फादर विल गिव द लेक्चर, मम्मा विल गिव द लेक्चर, बेटे पढ़ लो इसकी ये नीड होती है, मुझे नहीं लगता उनको इस तरह की किसी तरह की कोई जरूरत होती है। आगे, इंडिपेंडेंट होते हैं, नॉन कन्फर्मिस्ट थिंकिंग होती है, मतलब ऐसे बेकार में टाइम वेस्ट करना, लड़ाई में झगड़ा झगड़े में उलझ जाना, इसमें वो नहीं बिलीव करते, वो दे विल बी वेरी क्लियर एंड गोल उनका क्लियर होता है। देन प्रेफरेंस फॉर सॉलिटरी एकेडमिक एक्टिविटीज फॉर लॉन्ग पीरियड्स, उनकी प्रेफरेंस रहती है कि वो जो एक्टिविटीज जो सॉलिटरी एकेडमिक एक्टिविटीज हो रही है विच आर नीडेड, सॉलिटरी इज द नीडेड एंड द इम्पॉर्टेंट,
उनको क्या करें, लॉन्ग पीरियड तक होल्ड कर सकते हैं, दे डू नॉट गेट बोर फ्रॉम दी एकेडमिक एक्टिविटीज। क्लियर, आगे चलते हैं। प्रेफरेंस ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट इज नॉट द ओनली मेजर फॉर आइडेंटिफाइंग द गिफ्टेड, मतलब प्रेफरेंस परफॉर्मेंस ही देखकर नहीं पता कर सकते आप। मेनी अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज टीचर्स जजमेंट, स्कूल्स अचीवमेंट रिकॉर्ड, पेरेंट्स इंटरव्यू, पीयर एंड सेल्फ रेटिंग एटसेट्रा कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन। मतलब सिर्फ इसी बेस पर नहीं कि उसके मार्क्स कितने हैं, टीचर्स का फीडबैक लिया जा सकता है, पीयर्स का फीडबैक लिया जा सकता है, पेरेंट्स कैन ऑल्सो टेल अबाउट दिस। टू रीच देयर फुल पोटेंशियल गिफ्टेड चिल्ड्रन रिक्वायर स्पेशल अटेंशन। मैंने जैसे बोला था क्लास में हर तरह का बच्चा होता है, लेकिन गिफ्टेड वाले को टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि उसको भी एक्स्ट्रा वर्क मिले, क्योंकि उसमें एनर्जी जानने की सीखने की ज्यादा है, तो उन्हें किस तरह से इन्वॉल्व रखा जाए ये टीचर का स्किल होना चाहिए। ऐसे ही घर में पेरेंट्स का भी, कि अगर बच्चों का एक्स्ट्रा उनमें एनर्जी है तो हाउ टू इन्वॉल्व देम, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे कैन बी इंडल्ज इनटू, सो वो उनको लगाना चाहिए। देन रीचिंग फर्दर टू रीच देयर फुल पोटेंशियल गिफ्टेड चिल्ड्रन रिक्वायर स्पेशल अटेंशन, इस पूरी लाइन को अंडरलाइन करना है। And different educational programs beyond those provided to normal. Different मैंने बोला ना, काम उन्हें कुछ अलग से भी देना है। Educational programs beyond those provided to normal children in the regular classroom. उससे हटके. These may include life enrichment programs that can sharpen the children's skill in productive thinking, planning, decision making and communication. मतलब कुछ हटके, बहुत सारे लोग देखा है डिफरेंट कोर्सेज करते हैं, दैट कैन बी स्पिरिचुअल कोर्सेज, दैट कैन बी एजुकेशनल कोर्सेज, वो भी अलग से उन्हें, ये ना सोच के कि इनके कोर्स में नहीं है अभी क्यों कराना है, करा देने चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट, सो वी विल होल्ड हियर एंड देन वी विल कवर। ओके, थैंक यू।